ये देखिए, एक देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों ऐसा कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट है। This is the time, the moment, a memorable one. Just get your हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है फिर से एक अलग ब्लॉग में। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सेक्टर 45 डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़ बैप्टिस्ट स्कूल है, यहाँ पे थैंक्स एनुअल फंक्शन हो रहा है 2022 जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे तरह तरह के एक्टिविटीज़ हैं, फास्ट फूड काउंटर लगा हुआ है अंदर सारा कुछ। तो चलते हैं अंदर फिर देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वीडियो पे आप लोग बने रहना, चलिए लग चुको गाइड, चलते हैं अंदर। कुछ इधर बाहर का नज़ारा, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कीजिए और अंदर चलिए चलते। तो ये देखिए चंडीगढ़ बैप्टिस्ट स्कूल सेक्टर 45 डी में, यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट है, चलते हैं अंदर। मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, बाकी सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं। So, Sukkot is all about the food court, the festivity time, and moreover, the art painting shows, social science exhibition. So, here we have someone who is blogging you all up for the Instagram and Facebook. So, we have the Chinese stall as well, साउथ इंडियन काउंटर भी लगा हुआ है, डोसा बड़ा सांभर सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ये अलग अलग यहाँ पे काउंटर है, आप अपने मनपसंद काउंटर से टिकट लीजिए फिर जाके एंजॉय कीजिए। देखिए दोस्तों कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का। तो देखिए यहाँ पे प्राइज वगैरह भी मिलेगा, रॉयल इनफील्ड बाइक। हर तरह की खाने पीने की अरेंजमेंट, आगे स्टेज है जहाँ पे एक फंक्शन वो किया जा रहा है, इधर देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो ये ब्लॉग के साथ आप लोग को एक नेक्स्ट लेवल का आज एक्सपीरियंस मिलेगा इस ब्लॉग में। सेक्टर 45 डी चंडीगढ़ बैप्टिस्ट स्कूल है, ये देखिए स्टेज साइज का ये कुछ नज़ारा है यहाँ आपका। शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, थैंक्स फॉर दिस स्कूल मैनेजमेंट। इतने बड़े फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। स्कूल की टीम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। What a good father, just about.
भाई। यार कैसा लग रहा है आपको? हाँ बढ़िया लग रहा भाई। तो वीडियो में बने रहना आप, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। चलो भाई चलो देखते रहना वीडियो। बड़े एक्साइटेड हो यार? मैं भी हूँ, एक फर्स्ट टाइम एक ना मतलब स्कूल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो अलग ही यार अपने स्कूल टाइम याद आ रहे हैं। हम लोग कैसे तैयार होकर जाते थे ना वीडियो में, सब बने रहना अभी और भी कुछ दिखाना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे जो अचीवमेंट है वो सारे डिस्प्ले किए गए हैं। चलिए संधार कालीन हम लोग को बुला के लेके चल रहे हैं उधर। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, आप लोग को एक नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक नेक्स्ट लेवल का अंदर से फीलिंग आ रहा है इस स्कूल में आके। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अंदर हम दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे बैलेंस आए हुए हैं, कुछ बताया। ये देखिए यहाँ पे कुछ ये बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, नॉट फॉर सेल है लेकिन ये डिस्प्ले किया गया है। तो ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। और एक नेक्स्ट लेवल का अरेंजमेंट है दोस्तों, एक नेक्स्ट लेवल का स्कूल है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे तो ये सब चीज़ें, ये सारा नॉट फॉर सेल है बट देखने के लिए लगाया गया है। आप यहाँ से ले सकते हैं। स्कूल के स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। तो आप ये सब ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ये बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे अलग अलग। स्कूल प्रशासन की अथॉरिटी नहीं है, हम बच्चों से बात नहीं कर सकते, बट जो भी है इन्होंने डिस्प्ले किया है वो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बच्चों ने बनाया हुआ है, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये सब बच्चों ने बनाया हुआ है यहाँ पे, एक नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट वगैरह डिस्प्ले हो रहा है। तो बच्चों को भी है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। का प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह, वाह दिस इज द एक्सीलेंट एरिया ऑफ दिस फेस्टिवल। यहाँ पे एक देखिए नेक्स्ट लेवल का ये रोबोटिक एरिया है, यहाँ पे रोबोटिक प्रोजेक्ट हैं सारे स्कूल में जो डिस्प्ले किया गया है। के साथ बने रहिए, आगे आप लोगों को एक बार फिर से जहाँ पे फंक्शन चल रहा है उधर चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस शानदार फेस्टिवल को जो स्कूल प्रशासन के द्वारा अरेंजमेंट है वो नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल का स्कूल है तो नेक्स्ट लेवल का फंक्शन तो होगा ही दोस्तों, ऑब्वियस है। अरेंजमेंट है वो नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का स्कूल है तो नेक्स्ट लेवल का फंक्शन तो होगा ही दोस्तों, ऑब्वियस है। दोस्तों
आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे यार। आप लोगों के लिए हम बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।